सो हेलो गाइस, मेरा नाम जीवन कुमार है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने किसी भी बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड अपने मोबाइल पर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। स्विफ्ट कोड एक ऐसा कोड होता है जिसके थ्रू आप लोग इंटरनेशनल एरिया से अपने पेमेंट को इजीली बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब चैनल बनाया है और यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर करके अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर लिया है, तो गूगल एडसेंस में $10 कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि अब आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो बैंक अकाउंट ऐड करते समय वहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFC कोड और एक स्विफ्ट कोड का ऑप्शन आ जाता है, जो कि हमें बैंक का पासबुक पर देखने को नहीं मिलता है और आसपास के ब्रांच में भी देखने को नहीं मिलता है। तो फाइनल गाइस, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बताने वाला हूँ कि बिना बैंक ब्रांच गए हुए अपने मोबाइल पर किसी भी बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग भी जानना चाहते हैं, अपने सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो गाइस, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो यहाँ से मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी सिंपली ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर, उसके बाद आपको सिंपली से सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद जो पहला वेबसाइट दिख जाएगा इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे 5 से 6 सेकंड तक वेट कर लेना है, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है, तो आपको यहाँ से नीचे आ जाना। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना कंट्री को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से मैं अपना इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना सिटी को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं दरभंगा बिहार में रहता हूँ, तो दरभंगा का स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपने बिहार के पटना जिला का स्विफ्ट कोड यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं पटना को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने आपका बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड यहाँ पर मिल जाएगा। इसे कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करते समय वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इजीली आपका यूट्यूब का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने किसी भी बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड अपने मोबाइल पर पता कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल से किसी भी बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और अगला कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे आप नीचे कमेंट में बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को समाप्त करते हैं।